सोनी टीवी के पॉपुलर शो मेहंदी वाले घर में आप सभी देखेंगे कि मानस एक स्पेशल डेट प्लान करेंगे मौली के लिए, जहां वो उसे डेट पे लेकर आते हैं घर में ही। इतना ही नहीं, मानस मौली के लिए बाहर से खाना मंगवाते हैं। मौली काफी ही बड़े मन से आती है उधर और उसका मन नहीं करता है, लेकिन सभी घर वालों के प्रेशर की वजह से वो वहाँ पे शामिल होती है। इतना ही नहीं, जब मानस खुद अपने हाथों से मौली को खाना सर्व करने के लिए आएंगे, तब राहुल उधर पहुँच जाते हैं और राहुल मौली को रोकते हैं वो खाना नहीं खाने से। वेल, ये इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें पीनट्स रहता है और मौली को एलर्जी रहता है, जहाँ इसी बात को लेकर अभी सीन ये चल रहा है कि मानस जो है वो वापस आके मौली को मनाने की कोशिश कर रहा है। उसका क्या एजेंडा है किसी को पता नहीं है, और राहुल को पता है मौली के बारे में हर एक चीज, और उसे पता है कि उसे एलर्जी है नट से, तो इस वजह से वो इमीडिएटली भागते हुए वहां पर पहुंचता है और मानस को रोक कर मौली की जान बचा लेता है। I'd like to say thank you. Thank you so much. Very, very humble. And, you know, thank you so much to all the fans, to our makers, to our producers, to our directors. I think puri team ne saath milke kaam kiya, iski wajah se it's almost so bas itna aapka pyar milta rahe, and yeah, touch wood. Very happy. Baitho na. स्लो जूम वीओ नीचे देखा सारे अरेंजमेंट बोला वीओ तो मैं सब कर तो रहे हो मां, पर मैं झूठ नहीं बोल सकता। मुझे अंदर मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी फील नहीं है। आया ये सब मैंने तुम्हारे लिए बनाया। ट्रैक करेंगे, ट्रैक राइट पूरा फास्ट, ट्रैक राइट देख रही है सब, एंड एक्शन। क्यों समझ नहीं आ रहा है, फाइनली बोला प्यार से मानस, आप प्रॉपर देख रहे हैं। शुरू करो ना, खाना ठंडा हो रहा है, खा लो। सबके साथ नीचे खाने दो। ये स्पेशली तुम्हारे लिए सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए बनाया था, खास करके शिफ्ट शिफ्ट लुक सामने और हाथ पकड़ा। देखा सब आके खड़े हो गए। आप मुझे याद था, लेकिन ऑर्डर कर दो अपना भूल गए। मैं नहीं भूली, तुम हॉस्टल में रहे हो, खाना बनाना आता है तुम्हें, कुछ भी सिंपल सा बेसिक सा बना ले। फैंसी डिशेस मंगवाने की जरूरत नहीं थी,
मंगवाया अभी तो काजू ग्रेवी वाली डिश, जिससे एलर्जी है मुझे। सही, ट्रैक पूरा टाइट रहेगा, स्लो ट्रैक कर दिया दादा, स्लो ट्रैक। सही है, गलती की है मैंने, तो सुनना तो पड़ेगा ही। या शायद तुम वेट कर रही थी कि मैं कोई गलती करूं, क्योंकि एफर्ट्स में दिख, मैंने तुम्हारे लिए छत पे पूरा अरेंजमेंट किया, ये खाने का, ये लाइट्स, ये डेकोर, ये म्यूजिक, ये तुम्हें नहीं दिख। बार बार अपनी गलती के लिए माफी मांग रहा हूँ, सॉरी बोल रहा हूँ, हर पल सोचता रहता हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ तुम्हारे लिए कि तुम मुझे माफ कर दो, तुम मान जाओ, खुश हो जाओ, ये भी तुमको नहीं। शायद तुम ये देखने ही नहीं था, तुमने मान तो लिया है कि तुम मुझे एक चांस दोगे, लेकिन तुम मुझे माफ करना नहीं चाहते। राहुल एपी, हो गया? तुम तो चाहते ही नहीं हो कि मानस और मौली का पैचअप, वरना एक छोटी सी बात का इतना बड़ा बटन बतंग बनाने की क्या जरूरत है तुम्हें? तन्वीन ने बोला, मेरे राहुल को कोई शौक नहीं है टांग अड़ाने का, ठीक है ना? मानस ने खाना जो बाहर से मंगवाया उसे खा के मौली की तबीयत बिगड़ सकती थी। स्वरा ने बोला, और आपको तो राहुल को धन्यवाद बोलना चाहिए, और आप उल्टा उसे ही सुना रही है। तन्वीन ने भी बोला कुछ उधर से। अजंता ने वापस बोला, हुआ तो नहीं ना उसकी तबीयत खराब? इट्स ओके, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग प्लीज मेरी वजह से मत लड़िए प्लीज। अरे मैं कहाँ लड़ रही हूँ, ये दोनों लड़ रहे। वापस दिखा उनका चलने लगा, वापस वो लड़ रहे। अजंता ने कुछ बोला, तन्वी ने बोला कुछ, चल रहा है उन लोगों का, चल रहा है दिखा। ओ, देखते रहा, देखते रहो ये लोग।